टेक एक्शन यस क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं अगर मैंने टर्बन ना पहना था आप मुझे बोलते खाली। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर लगातार बवाल बढ़ रहा है। बीजेपी के साथ लेफ्ट और कांग्रेस भी ममता सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों बीजेपी नेता जब संदेश खाली जा रहे थे इसी दौरान एक सिख आईपीएस अधिकारी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता ने उन्हें खालिस्तानी कहा। इस मामले को लेकर टीएमसी के अलावा इंडिया अलायंस के ज्यादातर दलों ने बीजेपी पर हमला बोला है। वहीं मामला तूल पकड़ने के बाद अब बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस और ममता सरकार को चुनौती दे दी है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर अपने आरोप को साबित करें वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अभी सुप्रीम सरकार के बोलो 24 घंटे के मध्य अपना के प्रमाण करते हैं अदरवाइज आई विल टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। आईपीएस अधिकारी जसप्रीत सिंह को शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी विधायकों के एक ग्रुप से कहते हुए सुना गया, आप मुझे खालिस्तानी कह रहे हैं क्योंकि मैंने पगड़ी पहन रखी है, क्या यही आपकी हिम्मत है, क्या यही आपका स्तर है? I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं अगर मैंने टर्बन ना पहना था आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते, आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर ही बोल सकते हैं, क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? विवाद तब और तेज हो गया जब सीएम ममता बनर्जी ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बीजेपी सोचती है कि पगड़ी पहनने वाला हर व्यक्ति खालिस्तानी है। बीजेपी की विभाजनकारी इस राजनीति ने संवैधानिक सीमाओं को बेशर्मी से लांघ दिया। मैं राष्ट्र के प्रति बलिदान और अटूट दृढ़ संकल्प वाले सिख भाई बहनों की प्रतिष्ठा को कमजोर करने के दुस्साहसिक प्रयास की निंदा करती हूँ। हम राज्य में सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आईपीएस अधिकारी के आरोप में प्रतिक्रिया देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल सरकार को 24 घंटे के भीतर अपना आरोप साबित करने या परिणाम भुगतने की चुनौती दी। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल पुलिस के दावों को चुनौती देने वाले अधिकारी का एक वीडियो साझा किया था। मालवीय ने कहा बीजेपी नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण बंगाल एडीजी को 24 घंटे के भीतर अपने आरोप को साबित करने की चुनौती दी कि एक सिख पुलिस अधिकारी पर अपशब्द बोले गए, अन्यथा परिणाम भुगतने को तैयार रहे। पश्चिम बंगाल पुलिस ममता बनर्जी की एकमात्र रक्षा पंक्ति ढह रही है, उन्हें अब पीछे हट जाना चाहिए। बता दें कि बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली इलाके में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी के नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ममता बनर्जी सरकार पर हमलावर है। वहीं संदेश खाली में माहौल तनावपूर्ण है, यहां अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है।